स्वागत है मित्रों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर हम बात करेंगे DLED BTC में सभी को मिलने वाले, जब आपका फाइनल आपका प्रशिक्षण जो है वो पूरा हो चुका होता है, जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण है वो पूरा हो चुका होता है, तो आपको वहाँ पर कॉशन मनी जो है वो आपकी कितने रुपए की होती है, जिसे आप अपने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको मैं बता दूँ, जब आप जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में जो DLED प्रशिक्षार्थी होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उनकी अगर मैं कॉशन मनी की बात करूं तो वो लगभग 2500 रुपये होती है। आपको बाकायदा मेंशनड मिलेगा कि 2500 रुपये जो है वो प्रथम वर्ष के शुल्क में जो है वो देखने को मिलेगा। द्वितीय वर्ष के शुल्क में कोई भी रिफंडेबल मनी यानी कॉशन मनी या एक तरीके से एक सिक्योरिटी मनी होती है, जो कि कॉलेज के पास में आपकी जमा होती है, आपकी फीस से कट जाती है वो। तो पहले वर्ष में 2500 होती है। ऐसे ही ये तो मैं बात कर रहा था डाइट को लेकर के, अगर ऐसे ही मैं बात करूँ आपके प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके कॉशन मनी को लेकर के, तो वो जो फीस है वो आपको लगभग 2500 रुपये से 5000 रुपये के बीच में, कहीं कहीं आपकी 3500 भी हो सकती है, कहीं आपकी 4500 भी हो सकती है, तो ये जो मनी है वो आपको आपके कॉलेज से मिलेगी। इसके लिए करना यही है, आपका प्रशिक्षण जब होल्ड हो जाए तो आप एक एप्लीकेशन लिख करके अपने कॉलेज में आपको देना होगा, जहाँ से आपने BTC या DLED का अध्ययन किया है, जहाँ से आपने 2 साल की पढ़ाई की है, वहाँ पर आप उसे ले जा करके दे सकते हो। आपको मैं बता दूँ, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा अच्छी तरीके से, कि जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो आपकी लगभग 41000 के आसपास होती है, और यहाँ पर जब आप डाइट को लेकर के बात करते हो तो वो फीस आपकी 10000 होती है। इसीलिए जो कॉशन मनी है डाइट में वो 2500 रुपये के आसपास है, लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हो तो जो कॉशन मनी है रिफंडेबल बाकायदा लिखा हुआ है, वो फीस आपकी जो है वो 2500 से ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक और वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।